वापस से हम लोग यहीं पे आ गए हैं और तो आज है बैक और बाइसेप्स। तो ये इतने सारे तुम जैकेट देखो तुमको लग रहा होगा कि ठंडी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठंडी उतनी है नहीं। लेकिन मैं बाइक पे आता हूँ सुबह तो हाथ टाइट हो जाती है, तो जो मिल गया मेरे लॉकर में, लॉकर बता रहा हूँ, जो मिल गया मुझे मेरे ड्रॉवर में तो वो मैंने उठा ली चुपचाप, जो मिल गया सबसे पहले और वही ले लिया, क्योंकि बाइक पे आता हूँ तो एकदम ठंडे हाल में हाथ टाइट हो जाती है, सुबह इतनी ठंडी हो रही है। बाकी इस टाइम तो ठीक है, और ठीक है फिर आज बैक और बाइसेप्स। तो चलो आज ट्रेन करेंगे और बताओ क्या क्या चीज़ है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लग रहा है यही एक जगह जो बची थी जिम में, अब वहीं आ गया हूँ, पूरे जिम में सब कुछ दिखाई दिया ना कि कहाँ बोलता हूँ मैं। तो अब यही जगह एक बची थी चेंजिंग रूम, और अब चेंजिंग रूम में आके वीडियो बना रहा हूँ। तो करेंगे बाइसेप्स ट्रेन और बैक करेंगे साथ में। तो पहली एक्सरसाइज आज मैं बहुत टाइम के बाद लगाने जाऊंगा पुलअप्स, तो पुलअप्स देखते हैं कितने मैं ज़्यादा मतलब करूँगा ना, एक वार्म अप सेट के लिए एक वूम है पुलअप्स, और पुलअप्स के साथ मैं ले लूँगा सुपर सेट की तरीके से पुलअप्स और पुलओवर। तो चलो देखते हैं। पुलओवर और पुशअप का पुलअप्स का सुपर सेट हो गया, और अब मैं जाऊंगा अपने फेवरेट लैट पुल डाउन पे। तो तुम भी बिगनर हो और तुम्हें जो भी वर्कआउट करते हैं या फिर लैट पुल डाउन में माइंड मसल कनेक्शन ही नहीं बना पाते हैं, तो उनको न्यूट्रल ग्रिप पे जाना चाहिए ओवर हैंड ग्रिप की जगह, क्योंकि ओवर हैंड ग्रिप से तुम माइंड मसल कनेक्शन नहीं सही से बना पाओगे। जो इतने भी नए करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं अभी भी और जिनका माइंड मसल कनेक्शन नहीं बन पाता है बैक से, तो मैं कहूँगा न्यूट्रल ग्रिप लगाओ, और तो दिखा दूंगा न्यूट्रल ग्रिप मैं कैसे लगाता हूँ। और न्यूट्रल ग्रिप लगाओ और थोड़ा सा फोकस हो गया करो, माइंड मसल कनेक्शन बन जाएगा, इस पर भी माइंड मसल कनेक्शन बनाने का ध्यान दो। और सर बता दो न्यूट्रल ग्रिप जो ऐसी ग्रिप है, मैं मानता हूँ कि न्यूट्रल ग्रिप ज़्यादा अच्छी है ओवर हैंड ग्रिप से। तो चलो आगे की वीडियो बताता हूँ। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि पुलओवर स्टार्टिंग में बेस्ट रहेगा, इसलिए क्योंकि जब हम लैट पुल डाउन के सेट पे जाएंगे तो हमारा माइंड मसल कॉन्ट्रैक्शन अच्छे तरीके से बिल्डअप होगा। तो तुम माइंड मसल कनेक्शन अगर नहीं बनता है तो पुलओवर इसीलिए स्टार्टिंग में बोलता हूँ करने के लिए। तो जब तुम लैट पुल डाउन पे जाओगे तो माइंड मसल कनेक्शन तुम्हारा ईजीली हो जाएगा, क्योंकि बैक हमारी हीटअप हो जाती है स्टार्टिंग में ही पुलओवर से, इस वजह से। तो इसके बाद इसका एक ले लूँगा ड्रॉप सेट, और फिर इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। चलो बाकी यहाँ क्यों आया तुम समझ जाओ म्यूजिक। तो इस एक्सरसाइज के बाद मैं लगाऊंगा टी बार, और टी बार पिछली बार इस तरीके से लगाया था उस तरीके से नहीं लगाऊंगा, अब थोड़ा अलग। तो पहला सेट लूँगा 30 kg, और उसके बाद प्लस 15 15 15 करके बढ़ाता रहूँगा। चलो देखते हैं
के आता है। जैसा मैंने बताया था हर सेट में 15-15 kg बढ़ाऊंगा और लास्ट वाले सेट में मैंने 10 kg बढ़ाया क्योंकि वेट थोड़ा भारी लग रहा था। तो एक टाइम पे मैं 100+ मारता था ये, और आज देखो अभी 90 पे हूँ क्योंकि लो कैलोरीज पे भी हूँ ना, एक तो इस वजह से एनर्जी तो ही लो जाती हूँ और इस टाइम टाइम नहीं मिल पाया सब कुछ मैनेज करने का, तो धीरे धीरे सब कुछ मैनेज होगा। चलो ठीक है, अब चलते अपने तीसरी एक्सरसाइज पे। चल एक्सरसाइज भी होगी हमारी कंप्लीट, तो मैं अब जाऊंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। लेकिन इस एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, तो इसमें एक काम तो अपना ये रहना कि माइंड में से कनेक्शन बनाना और हाथों को जब जब नीचे लाओ और जब तुम छोड़ो स्लो कॉन्ट्रैक्शन बनाए रखना, स्लो एकदम स्ट्रेच करो लैट्स को, पूरे लैट्स को जितना स्ट्रेच करोगे उतना अच्छा कॉन्ट्रैक्शन तुम्हारा बन के आएगा, उतना अच्छा माइंड मसल बनेगा, माइंड मसल कनेक्शन बन जाएगा तुम्हारा और तो फील करके करोगे। तो स्ट्रेच स्ट्रेच अच्छा रहेगा और कॉन्ट्रैक्शन अच्छा रहेगा, ठीक है, तो सक्सेस को ऐसे परफॉर्म करना। और टी बार में मैंने जैसे बताया, और ये ध्यान देना कि इन सारी मूवमेंट्स में हमारी एल्बो बाहर की तरफ ना हो अंदर की तरफ, जितना अंदर की तरफ होगी उतना हमारे लैट से अच्छा कॉन्ट्रैक्शन बन जाएगा। तो तुम ये ना सोचो कि मुझे ठंडी लग रही थी इसलिए मैंने पहना उतारा नहीं है, डालना था वैसे भी, और थोड़ा तबीयत मेरी आज कल ख़राब, थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई मेरी, देख के लगी रहा चेहरा, और थोड़ा जिम में एसी वैसी चलता है इस वजह से मैंने पहन लिया, तो अभी उतारूँगा देखते हैं पंप कैसा है बस। तो एक लास्ट एक्सरसाइज बैक की जो मैं करने जाऊँ, सीटेड रोइंग और अंडर हैंड, वन हैंड अंडर हैंड दोनों चीज़ें, तो देख लेना किस तरीके से। तो जब मैं कॉन्ट्रैक्शन बनाऊँगा तो आगे की तरफ हाथों को ले जाऊँगा, और जब मैं पीछे खींचूँगा तो मैं अंदर के तरफ हाथों को टिल्ट कर दूंगा, ठीक है। तो देख लो कैसे किस तरीके से करना है, और चलो चलते हैं लास्ट एक्सरसाइज, फिर बाइसेप और फिर स्ट्रेच। वर्कआउट हो गया हमारा डन, तो अब हम जाएंगे बाइसेप पे। तो बाइसेप की मैं आज ले रहा हूँ 3 एक्सरसाइज, क्योंकि वैसे मैं लेता नहीं हूँ, सिर्फ 2 ही लेता हूँ या फिर 3, इससे ज़्यादा मैं लेता नहीं, आज ले रहा हूँ क्योंकि तुम समझ जाओ बहुत ज़्यादा गैप हो गया, तो इस वजह से आज लूँगा बाइसेप की। तो पहली एक्सरसाइज हम, मैं तीनों एक्सरसाइज बता देता हूँ तुमको। तो पहली एक्सरसाइज हम लोग केबल पे करेंगे बाइसेप कर्ल, तो बता दूंगा किस तरीके से। और दूसरी एक्सरसाइज प्रीचर कर्ल, हाँ उसका भी सुपर सेट तरीके से बताऊंगा, और फिर तीसरा हैमर कर्ल टंबल से। तो इन 3 एक्सरसाइजेस के बाद, और तीनों एक्सरसाइज के बारे में बता दूंगा अच्छे से। तो बता, केबल पे बाइसेप कर्ल हमें लगाना है, पहले अपना जो भी अपना वेट है उसको लगा लो तुम, जितना तुम स्टार्ट लेते हो
तो स्टार्टिंग वेट लगाना और 12 से 15 रेप निकाल लेना। उसके बाद तुरंत दो प्लेट बढ़ा के 8 रेप, और उसके बाद तुरंत हो जाएगा, दो प्लेट बढ़ा के फिर 8 रेप, फिर उसके बाद दो प्लेट बढ़ा के 8 रेप, तो 4 हो गए सेट पूरे, और पूरे सुपर सेट, कोई ड्रॉप मतलब कोई ड्रॉप सेट। और उसके बाद मुझे लेना है चारों सेट के बाद जिस तरीके से हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसी तरीके से हम लोग ड्रॉप लेंगे इस एक्सरसाइज में बाइसेप की, ठीक है? तो ये करेंगे और उसके बाद बता दूंगा अगली एक्सरसाइज क्या है। तो इस भी एक्सरसाइज में बिल्कुल कोई रेस्ट नहीं लेना है, बस लगाना है वेट, मारना है और लगाना है मारना है, बस यही काम है। तो चलो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो, फिर इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज के बारे में बता दूंगा। इसमें हाँ है थोड़ी टाइट, तो दो ही एक्सरसाइज करेंगे हम, तीन नहीं जाएंगे, तो दो ही एक्सरसाइज करेंगे, और मतलब नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, दो एक्सरसाइज में काम हो जाएगा हमारा। तो दो एक्सरसाइज और एक लेने जा रहा हूँ सीधे हैमर कर्ल।
तो पहला सेट लूंगा 30 kg। और इस कैमरा कहाँ भागा? स्लो स्लो